किसान साथियों, जीवामृत पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका नंबर है 207, जिसका लिंक ऊपर भी दिखाई दे रहा है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने इस ड्रम में, जो ये ड्रम रखा हुआ है इस तरफ, इसमें मैंने जीवामृत बनाया था, और एक ये ड्रम है इसमें जीवामृत बनाया था। जो ये ड्रम है इसमें मैंने जीवामृत में 1 किलो सरसों की खली डाली थी, और इसमें बिना सरसों की खली के बनाया था। किसान साथियों, मैं ये देखना चाहता था कि जो जीवामृत हम बनाते हैं इसमें क्या तत्व होते हैं, और कितने जीवाणु जो हमारे को एक फैक्ट्री का काम करते हैं हमारे पौधों में, ज़मीन में, जो पौधों को तत्व और सूक्ष्म तत्व देने में सहायता करते हैं, यानी जो पौधों के लिए मुख्य भोजन है उसका इंतजाम करते हैं, तो उनकी क्या संख्या है, जीवामृत के क्या फ़ायदे हैं। किसान साथियों, जो ये ड्रम है इसको मैंने सैंपल वन नाम दिया था, और जो ये बोतल आप देख रहे हैं इसको मैंने इस बोतल में लिया था। जो ये ड्रम है इससे मैंने दूसरा सैंपल लिया था, और जो ये हरी बोतल देख रहे हैं इसमें इसका जीवामृत मैंने टेस्टिंग के लिए भेजा था। किसान साथियों, ये दोनों ड्रम 200-200 लीटर के हैं, और इनमें मैंने क्या डाला था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने 10 किलो देसी गाय, जो साहिवाल गाय हैं, उसका गोबर, 10 लीटर गाय का पेशाब, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो मिट्टी, और इस वाले ड्रम में जिसे मैं सैंपल नाम दे रहा हूँ 1 किलो सरसों की खली डाली थी। इसके अलावा मैंने इसमें 10 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर भी दिया था। किसान साथियों, इस ड्रम में वे सब चीज़ें थी जो इसमें थी, केवल खली को छोड़कर। तो ये हुआ मेरा सैंपल वन, और ये हुआ सैंपल टू। अब मैंने ये क्यों किया ये मैं आपको बताऊंगा। किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार। जिज्ञासा ये रहती है कि जो हम दे रहे हैं उसमें है क्या। हमने कह तो दिया कि इसमें करोड़ों अरबों खरबों जीवाणु हैं। भाई, उन जीवाणुओं के अलावा जो हमें तीन मुख्य तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास, और उसके अलावा जो हमारे मुख्य तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, इनसे क्या प्राप्त होता है और इन्हें हमें कितनी मात्रा में पौधों को देना चाहिए, इसे जानने के लिए मैंने ये एक प्रयोग किया है। किसान साथियों, ये तो मैंने बता दिया कि इन दोनों ड्रम में मैंने क्या क्या दिया था। अब ये आई है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, सैंपल वन में क्या क्या तत्व हैं और सैंपल टू में क्या क्या तत्व हैं। जो सैंपल वन में तत्व हैं उनकी मात्रा केवल एक तत्व को छोड़कर अधिक है। जैसे जो पीएच है, अगर आप सैंपल वन का पीएच देखो तो वो 4.4 है, जबकि सैंपल टू का पीएच 4.7 है। अब आई नाइट्रोजन, यानी कुल नाइट्रोजन की परसेंटेज जो सैंपल वन है उससे मिलती है हमें 2.25%। जो हमें इससे मिलती है सैंपल टू से, वो मिल रही है 1.89%। यानी सरसों की खली डालने से हमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मिल रही है। जो फॉस्फेट है वो सैंपल वन में 0.780% है, और जो सैंपल टू है उसमें 0.351 है। यानी जिसमें हमने सरसों मिलाई है उसमें फॉस्फेट की मात्रा जो हमारी है वो लगभग दुगनी है। तीसरी है पोटास। जो सैंपल वन है उसमें पोटास की जो परसेंटेज आई है, कुल परसेंटेज मात्रा जो बोलते हैं हम, 1.88, और जो आपका सैंपल टू है उसमें 1.375, यानी कुल 20-25% का इसमें अंतर है। अब चलते हैं हम मैग्नीशियम पर। जो सैंपल वन है उसमें 220 ppm यानी 0.02% मैग्नीशियम है, और जो सैंपल टू है उसमें 180 है। यहाँ भी थोड़ा डिफरेंस है 20% का। जो आयरन है उसकी जो ppm है वो 285 है, बहुत अच्छी मात्रा है, और सैंपल टू में 210 है। यहाँ भी सैंपल वन की जीत हुई है। जो हमारा जिंक है
वो 124 ppm है जो सैंपल वन में है। जो सैंपल टू है उसमें कुल 52 है, यानी आप देखिए लगभग 2.5 गुना सैंपल वन में जिंक हमें मिल रहा है। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर सैंपल वन में 48 ppm है जबकि सैंपल टू में 14 यानी 14 ppm है, जो कि हमारी लगभग 1/3 है सैंपल टू में। किसान साथियों, ये तो हुई मुख्य तत्वों और सूक्ष्म तत्वों की बात। इससे साफ हो गया, अगर आप 200 लीटर में 1 किलो सरसों की खली डालते हैं तो आपके तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा मिलेगी और अच्छी मिलेगी। साथियों, ये जो हमारे जीवाणु हैं जो हमारे पौधों को इन तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, अब उनकी संख्या कितनी है? आपने देखा होगा कि जो हम ट्राइकोडर्मा जितने भी ये बवेरिया बसियाना जितने बायो एजेंट लेते हैं उनमें एक लिखा हुआ होता है एक्रोनिम CFU, जिसका के पूर्ण फॉर्म है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। इसका अर्थ क्या है ये मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको, और ध्यान रखिए जब भी कभी आप लेने जाएं इसका ध्यान रखिए। अगर आपका पाउडर है, फॉर्म में है कोई तत्व, तो उसमें ग्राम में होते हैं ये, 1 ग्राम में मात्रा बताई जाती है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट 1 ग्राम में कितनी होगी? चूँकि हमारा ये तरल फॉर्म में था, तरल अवस्था में था, तो इसे ml में मालते हैं यानी मिलीलीटर। तो जब इसकी गणना करवाई गई सैंपल वन और सैंपल टू में कितनी कॉलोनीज हमारे जो मित्र जीवाणु हैं उनकी होती है जीवामृत में, जब हम सरसों की खली डालते हैं और जब सरसों की खली नहीं डालते हैं, आपको बहुत आश्चर्य होगा। जो मात्रा निकली है सैंपल वन में निकली है 2×10^13 और सैंपल टू में निकली है 2×10^12। अब देखिए सिर्फ 1 पावर का फर्क है और इसका अर्थ क्या है मैं अब ये समझाता हूँ आपको। किसान साथियों, 2×10^13 का अर्थ क्या होता है? आप 2 लिख लीजिए, उसके सामने 13 जीरो लगाइए, अब गिनना शुरू करिए, तो 2×13 का मतलब होता है 20 खरब, 20 खरब का मतलब होता है 2 लाख करोड़। तो जो हमारी ये सैंपल वन है जिसमें हमने सरसों की खली डाली थी, उसमें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है 1 ml में हमें 2 लाख करोड़ बैक्टीरिया मिलते हैं, और जो ये आपका दूसरा है इसमें 2×10^12 यानी इसमें हमें 2 खरब प्रति ml जीवाणु मिलते हैं। जो सैंपल टू है बिना सरसों के है उसमें 2 खरब हुए, और जो सैंपल वन है जिसमें सरसों की डाली उसमें 20 खरब हुए। 20 खरब को हम 2 लाख करोड़ भी कह सकते हैं, 2 खरब को हम 20,000 करोड़ भी कह सकते हैं। तो किसान साथियों, जब हम इनकी मात्रा देते हैं प्रति माह, ये अचंभा हुआ जो मैंने 5 बार डाला है कि आज भी मेरे पास एक डॉक्टर राठी हैं पुरका जी से आए थे जो एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, जब उन्होंने मेरे पौधों को देखा तो वो अचंभित रह गए कि इतनी ठंड में भी पौधों से नए कल्ले निकल रहे हैं। उन्होंने कहा त्यागी जी क्या डालते हो? तो हमने बताया कि हम इसमें जीवामृत डालते हैं और पहले गोबर की खाद प्रचुर मात्रा में दी हुई। किसान साथियों, अकेला जीवामृत ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक चीज़ का और ध्यान रखिए आपको, इसके लिए हमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद भी आवश्यक होती है। ये क्यों होती है ये मैं एक अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, ताकि मेरी ये वीडियो बढ़े। किसान साथियों, ये था मेरा प्रयोग आप लोगों के लिए यह जानने के लिए कि जो हम जीवामृत दे रहे हैं उसमें क्या हमारे पौधों को मिल रहा है। अगर आप बार बार देंगे तो आपके पौधे अच्छे ही होंगे, लेकिन देने का ध्यान रखना है। किसान साथियों, आप भी प्रयोग करते रहिए और ये देखिए कि जो हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और क्या इसके फायदे हो रहे हैं। किसान साथियों, ये थी मेरी एक प्रस्तुति जीवामृत पर। आपको कैसे लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं। एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि इन दोनों ड्रम में मैंने 10-10 लीटर जो वेस्ट डिकम्पोजर है वो डाला था।
आपको मैं वेस्ट डिकम्पोजर का ये दिखाता हूँ कि वेस्ट डिकम्पोजर मेरे पास कैसा है बना हुआ। ये देखिए किसान साथियों, ये मेरा वेस्ट डिकम्पोजर है बना हुआ। आप देखिए इसमें कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही है, चूँकि मैं ढककर रखता हूँ। कितने अच्छे ढक्कन मैंने बनवाए हुए हैं, ये देखिए। इसे ढककर रखता हूँ और ये देखिए जब मैं इसे चलाऊँगा कितना अच्छा, देखिए ये उसके ऊपर जो ये झाग हैं, ये जो इसमें मलाई सी आ रही है, ये इसके प्रमाण है कि ये सही है। और भीनी भीनी खुशबू है, आप महसूस नहीं कर सकते वीडियो में, लेकिन देखिए कितना। एक मित्र ने बताया था कि अगर आप जीवामृत में 5 से 10 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में मिलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है और वो फंगस नहीं लगने देता। किसान साथियों, ये मेरा एक प्रयास था जीवामृत पर। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।